हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एचटीएमएल डॉम डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट मेथड के बारे में। ठीक है, तो चैनल को जिसे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्रिएट एलिमेंट मेथड। अब सपोज मान लो कि आपने रन टाइम पे कोई एलिमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होगा? क्रिएट एलिमेंट मेथड is used to create in JavaScript to create a new HTML element with the DOM। ठीक है, अगर मैंने रन टाइम पे सपोज मान लो आपके पास कोई पेरेंट डिव है, आप चाहते हो उसके नीचे एक और मैंने एक एलिमेंट क्रिएट करना है, पूरी डिव क्रिएट करनी है, हेडिंग क्रिएट करनी है, कुछ ऐसा क्रिएट करना है, आई फ्रेम क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? क्रिएट एलिमेंट से उसे क्रिएट कर लूँगा। उसी टाइम पे जो भी मैनिपुलेट करनी है डोम के अंदर वो मैं उसी टाइम पे कर दूंगा। ठीक है, तो ये है क्रिएट एलिमेंट। और यहाँ पे देखना आपको टैग नेम, चाहे वो डिव हो, चाहे वो पी हो, चाहे हेडिंग हो, चाहे आई फ्रेम हो, कुछ भी हो वो, और उसके साथ आप उसकी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, टैग नेम रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट यू वांट टू क्रिएट। यहाँ पे जो भी टैग नेम है वहाँ पे वो देना जहाँ जो आपने एचटीएमएल एलिमेंट का नाम देना है, यहाँ पे जो आपने क्रिएट करना है। एग्जाम्पल, आपने डिव एलिमेंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे डिव टैग आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास इसमें हमने कुछ भी लिखा नहीं है, स्क्रिप्ट लिखी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एक डिव क्रिएट किया है, उसकी आईडी दी है माई डिव, और उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट क्या दिया, दिस इज अ डायनेमिकली क्रिएटेड डिव एलिमेंट। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के अंदर क्या किया, मैंने अपेंड चाइल्ड किया। अपेंड चाइल्ड मैं आपको बाद में बताऊंगा कि होता क्या है, क्योंकि अब जब मैंने क्रिएट एलिमेंट किया है तो मेरे को चाहिए भी ना कि कहाँ पर अपेंड करूँ, बॉडी में करूँ या किसी पर्टिकुलर डिव में करूँ या पर्टिकुलर डिव की एलिमेंट आईडी में करूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे होता है अपेंड चाइल्ड, इसको इस डिव को कहाँ अपेंड करना है। ठीक है, तो ऐसे होता है कि अगर मैंने क्या किया इसको डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी का मतलब मैंने बॉडी में इसको अपेंड किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने बॉडी ये रही हमारे पास। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और चला के देखा ये आगे डायनेमिकली बॉडी में ही इंसर्ट हुई है, बॉडी के अंदर ही गई है ना ये वाली डिव। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक एलिमेंट क्रिएट कर दिया और उसको बताना है कि कहाँ पे आपने ये डिव इंसर्ट करनी है। ठीक है, अपेंड करनी है, कहाँ पे करनी है। ठीक है, तो ये हो गया, आपने एलिमेंट क्रिएट कर लिया। तो क्रिएट एलिमेंट मेथड इज अ पावरफुल टूल फॉर डायनामिकली क्रिएटिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट एंड इट अलाउज यू टू जनरेट एंड मैनिपुलेट एलिमेंट्स ऑन द फ्लाई, इनेबलिंग टू बिल्ड डायनामिक वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये बहुत जगह पे आपको यूज आता है। सपोज मान लो कि आपको आई फ्रेम बनाना है, उसकी करंट हाइट विड्थ चेंज करनी है, तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी रैंडम आपको डिव बनानी है, पी टैग लगाना है, कहीं पे कुछ भी एलिमेंट क्रिएट करना है और आपको पता है कि कहाँ पे ये ऐड करना है, तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ठीक है, और अपने कस्टमाइज कर सकते हो वेब एप्लीकेशंस को। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।